Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Kiran Khokar, back with another video for you guys. I'm always looking for some really good looking kurtis, and this is why I thought let's buy some from Amazon, because maine kafi zyada jagah dekha tha ki Amazon mein kurtis kafi acha kar rahi thi and lot of people are buying them. I have bought Amazon kurtis previously a lot, but I wanted to go beyond my range. Matlab last time jab maine explore ki thi range, I guess kurti sets nahi kiye the, सिर्फ कुर्तीज कुछ खरीदे थे एंड इन मोस्ट ऑफ देम आई डिड नॉट आई गेस गो बियॉन्ड अ प्राइस ऑफ 500-600 रुपीज. यहाँ पर मैंने थोड़ी 1000 प्लस रेंज भी एक्सप्लोर की है, मतलब 1100 तक कुछ आपको फिट्स मिल जाएंगे. दैट्स अबाउट इट. सो टुडे व्हाट आई एम शोइंग यू इज द थ्री पीस सेट व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम Amazon, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर देम विद यू एंड माय रिव्यूज ऑन देम कि कैसे लग रहे हैं एंड एक्चुअली पिक्चर में कैसे लग रहे थे एंड रियलिटी में कैसे लग रहे हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आई फाइंड देम. एंड कंसिडरिंग राइट नाउ वेदर जो कि बहुत ही ह्यूमिड है उसको देखते हुए मैंने ये परचेजेस की थी. एंड इफ यू वांट टू नो माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन देम, सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर यू लीव अ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स चेक आउट व्हाट आर दीज फिट्स. सो जो मैंने पहला कुर्ता सेट लिया है वो है ये थ्री पीस सेट विच इज फ्रॉम ब्रांड गोस्ट ट्रिकी. इट कॉस्टेड मी 759 रुपीज और मुझे थ्री पीस सेट का ये कॉस्ट ऑलमोस्ट गुड लगता है, बिकॉज यूजली आप थ्री पीस सेट लेने जाते हो तो आपको 1000 रुपीज तक पड़ जाते हैं. एंड यहाँ पे एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे मैं कहीं पिक्चर भी प्लेस कर दूंगी इसकी कि ये कैसा दिख रहा था पिक्चर में. मुझे काफी सोफेस्टिकेटेड सा कलर वाइब लग रहा था इसका. And when I wore it, the color combination is really so pretty and good. I really love this blue color thing here, which is mixed with white embroidery. और उसके अंदर ना closely आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन का जरी वर्क भी हो रखा है और कॉटन ब्लेंड ये जो है कुर्ता है. इसकी पैंट्स के अंदर पॉकेट्स भी आते हैं विच इज अगेन अनदर प्लस पॉइंट, बिकॉज इसका स्लिट काफी हाई है तो अपने फोन्स वगैरह इसकी पॉकेट में रख सकते हो. एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल सूट फॉर दिस वेदर, बिकॉज मैं ये अभी गर्मी में भी पहन रही हूँ, ह्यूमिड वेदर में भी पहन रही हूँ, तो मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है. बट आई एम नॉट गोना से कि ये बेस्ट है इस चीज के अंदर, बिकॉज मुझे ना थोड़े नेट वाले जो दुपट्टे होते हैं ना उनसे हल्की सी ऑफ वाइब आती है. तो दैट इज माई ओनली कंसर्न, बिकॉज यूजली क्या होता है ये जो नेट के दुपट्टे होते हैं इससे थोड़ा सा दिख जाता है कि थोड़ा सूट जो होगा लेस प्राइस्ड होगा, बिकॉज ये वो वाला मतलब ये चुभने वाला वैसे नेट नहीं है. बट अदरवाइज इसके साथ कोई जॉर्जेट दुपट्टा होता है या शिफॉन दुपट्टा होता तो आई गेस इसका लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाता और मेबी एन ऑर्गेंजा दुपट्टा विद इट, सो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता. बिसाइड्स दैट काफ़ी सोफेस्टिकेटेड सा सूट है. आई गेस बिना दुपट्टे के भी आप इसको पहन सकते हो. मैंने अभी इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन गो विद सम पर्ल्स एज वेल. आई जस्ट वॉन्ट टू गो ईजी एंड स्टाइल इट विद माई सिल्वर ज्वेलरी एंड मैंने नीचे व्हाइट कलर के हील्ड फ्लैट्स पहने हुए हैं. सो दैट्स अबाउट दिस सूट. इट्स अ ग्रेट चॉइस एंड आई वुड लव टू कीप इट, बिकॉज काफ़ी सुंदर सोफेस्टिकेटेड है. हाउएवर प्रॉब्ली हो सकता है मैं इसके साथ दुपट्टा एक्सचेंज कर लूँ और मे बी लाइक यू नो आई हैव अ वेरी डाइसी वाइब्स, बट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन. आई हैव 50-50 ऑन कीपिंग इट और रिटर्निंग इट. ओके सो यू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सूट एंड वुड यू लाइक टू बाय इट और वुड यू लाइक टू वेयर इट टू एनी ओकेजन और नॉट. नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट सूट. So the next suit which I have got here is from this brand called Nastro. I guess that is how you pronounce it. It is called a rayon anarkali kurti set. Trust you me, इतना सुंदर लगा है ना मुझे. मेरे पास शायद ऐसे ही similar pattern के अंदर एक yellow color का कुर्ता है जो कि मैंने Myntra से लिया था. And if I'm not wrong, I paid somewhere around 1500 to 2000 rupees for it. क्योंकि वो मैंने दिवाली टाइम पर लिया था and it was from a different brand. But frankly, उसका फील और लुक ना बहुत सिमिलर है टू दिस सूट. इनसे कपड़ा तो लिटरली एग्जैक्टली सिमिलर है एंड दिस वन कॉस्टेड मी 899 रुपीज. आई एब्सोल्युटली लव इट. दिस इज फॉर श्योर गोइंग टू बी केप्ट एंड नॉट टू बी रिटर्न, बिकॉज इसका एक तो कलर कॉम्बिनेशन इज सो प्रिटी. इट हैज व्हाइट, इट हैज दिस ब्यूटिफुल लैवेंडर शेड एंड उसके ऊपर सिल्वर गोटा पट्टी का इस पर काम हो रखा है. यहाँ पर भी आप देखोगे तो हल्की हल्की सी मिरर डिटेलिंग है विच मेक्स इट रियली अप्रोप्रिएट टू इवन वेयर इट फॉर योर कैजुअल आउटफिट्स एज वेल. थोड़ा सा ओकेजनल कुछ है, जैसे अभी राखी भी आने वाली है वहाँ पर भी आप इसको पहन सकते हो, बट नॉट लाइक कि आप डेली वेयर में नहीं पहन सकते क्योंकि ये उतना भारी नहीं है, बट थोड़ा सा दिखने में हल्का सा हैवी है
बट फॉर श्योर यू कैन वेयर इट टू योर लाइक यू नो ओकेजन्स एंड घर में छोटी छोटी पूजा होती है उसमें भी आप इसको पहन सकते हो. अदरवाइज फ्रैंकली मैं तो इसको कैजुअल वे में भी पहन के निकल सकती हूँ बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग अबाउट इट. मैंने ये साइज मीडियम में मंगाया था, मुझे थोड़ा सा ये लूज है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, बट अगर मैं चाहती तो फ्रैंकली इसके अंदर मैं साइज स्मॉल मंगा लेती एंड मुझे काफ़ी फिट आता. बट अगेन हैविंग सेड दैट एक इशू होता है मेरे साथ ना, वेन एवर आई ऑर्डर सूट्स मैं कभी भी अगर साइज स्मॉल ले लेती हूँ तो मुझे उनकी पैंट्स यूजुअली नहीं फिट होती है फ्रॉम हाई एरिया. सो दिस इज व्हाई ट्राई टू बाय माय सूट्स इन अ बिगर साइज बिकॉज ये तो मैं ऑल्टर करा लेती हूँ एंड देन पैंट्स फिट मी रियली वेल एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दोज पैंट्स बिकॉज मुझे टाइट फिटेड पैंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं. सो आई गेस दिस सूट इज गोइंग टू बी अ रियली नाइस चॉइस टू बी पिक्ड अप एंड यू कैन एब्सोल्युटली थिंक अबाउट बाइंग इट विदाउट अ थॉट. सो दैट इज अबाउट दिस सूट एंड इसको भी मैंने सिल्वर जूबली के साथ स्टाइल किया है. यहाँ पे ये छम छम वाले कड़े पहन लिए हैं. स्लिपर्स आर द सेम स्लिपर्स व्हिच यू मस्ट हैव सीन इन माय लास्ट सूट. बहुत ही कंफर्टेबल है एंड दिस इज वाई दे मैच विद एवरी सूट ऑफ माइन. तो कभी कभी मुझे जूतियाँ वगैरह नहीं पहनने का मन होता है तो दिस इज द स्लिपर्स आई गो फॉर. दैट इज अबाउट दिस स्टाइलिंग ऑफ दिस सूट. यू कैन कैरी अ नाइस जूट बैग या फिर आप इसके साथ कोई भी एक ईजी एथेनिक बैग भी कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आपके रेगुलर बैग भी उसके साथ जाएगी. Now let's check out the next suit because I'm pretty excited about the color of it. So next suit is this very pretty yellow or white combination के अंदर cotton suit. So ये जो 3-piece suit set है वो मैंने मंगाया है brand Misfave से और ये set भी मुझे 899 rupees का पड़ा है. बहुत ही comfortable to wear है. Let's start first with that. But looking at कि brand का size chart जो मैंने देखा तो मुझे लगा size medium मुझे fit आएगा. But again ये थोड़ा सा यहाँ से मुझे loose है जो कि मुझे alter कराना पड़ेगा. And it is going to look something like this after that. Besides that, I absolutely love it. I guess अगर summer monsoon time के लिए आप कोई भी wardrobe अगर बनाना चाहते हो तो उसमें ये suit perfectly fit हो जाएगा because बहुत ही you know uplifting mood वाली vibes है इसके अंदर. बहुत सुंदर सा print है on all over the suit. इसका घेरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Usually जब हम Amazon से suits ले रहे होते हैं ना तो एक प्रॉब्लम आती है व्हेनेवर वी आर बाइंग अनारकली सूट्स उसका घेरा वो इतना कम कर देते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट कि वो एकदम ए लाइन सूट जैसा दिखता है एंड उसकी अनारकली वाली फील ही नहीं आती है. बट आई गेस दिस लुक्स रियली प्रिटी एंड इवन फॉर ओकेजन्स अगर आप कुछ लोग की बहुत ही मिनिमल एस्थेटिक्स वाले कुछ सूट्स देख रहे हो तो ये बहुत परफेक्टली फिट होगा. नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग मेरा पहला सूट था उसमें मैंने बोला था कि नेट दुपट्टा थोड़ा सा वैसी वाइब्स देता है बट फ्रेंकली इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जा रहा है. प्लस इस सूट का नेट और उस सूट का नेट में बहुत डिफरेंस है. इवन जो इसकी लेस है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और इसकी लुक को इन्हांस कर रही है. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर वो जरी वर्क जो हो रहा था वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था या फिर उस सूट के साथ जो है वो नेट का दुपट्टा नहीं जा रहा था. बट इसके साथ इट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी एंड फाइन एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस. बट अगेन अगर आप कभी भी अपने सूट को किसी ऑर्गेंजा दुपट्टा या किसी इस टाइप का दुपट्टा के साथ साइड करोगे तो आप देखोगे कि उसका लुक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट मैंने बता दिया आपको प्राइस का 899 पड़ा है मुझे. मैंने साइज मीडियम मंगाया था बट आई गेस इफ यू आर ओके टू बाय पैंट्स इन अ लिटिल फिटेड वे तो आप इसको ट्रू टू साइज मंगा सकते हो. बट यूजली पता नहीं क्यों ब्रांड्स जो हैं ऐसे सूट्स के साथ पैंट्स थोड़ी सी फिटेड ज़्यादा बनाती हैं विच आई एम नॉट रियली कम्फर्टेबल विद. मेरे को चाहिए होता है कि थोड़ा सा स्पेस हो यू नो ऑन द दिस हिप एरिया. ऑल्सो देयर इज अनदर फनी थिंग मतलब इस अनारकली सूट की पैंट्स के साथ ना आपको पॉकेट भी मिली है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बिकॉज इसके अंदर आप कैसे मतलब यू नो पॉकेट में सामान डालोगे. बट फॉर श्योर अगर ये पैंट्स को आप किसी और अपनी कुर्ती के साथ स्टाइल करना चाह रहे हो यू नो यू कैन ऑलवेज पेयर इट अप विद अ व्हाइट कुर्ती एंड उसके साथ सेम दुपट्टा यूज कर सकते हो. देन दोज पैंट्स विल कम हैंडी टू यू. Now let's check out the fourth and last suit of this segment and let's get into it. So this pretty suit which is last suit of this video is from brand Amaya. मैंने जब ये सूट मंगाया था मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है या तो बहुत ही अच्छा निकलेगा या बहुत ही गंदा निकलेगा क्योंकि कई बार ना ऐसे वाले प्रिंटेड कुर्ते जो आते हैं उसमें बड़ी पॉलिस्टर जैसी फील आती है बट इसमें कॉटन लिखा हुआ था. बट यू नो व्हेन यू आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम अमेज़न यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. सो ये कुर्ता मुझे इतना प्रिटी लगा एंड यूजुअली क्या होता है ना कई बार पिक्चर कोई और लगा रखी होती है एंड आउटफिट कुछ और निकल जाता है. ट्रस्ट यू मी अभी तक मैंने जितने भी आउटफिट्स मंगाए हैं अमेज़न से मेरे पास तो टचवुड 99.9% स्टफ सिमिलर ही आया. एक दो बार गड़बड़े मिली है बट दोज वर समथिंग विच कुड बी यू नो एक्सचेंज्ड और समथिंग ऑन दोज लाइंस. बट अदरवाइज आई हैव रियली गॉट सम रियली प्रिटी सूट्स फ्रॉम अमेज़न
एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम बिकॉज ये इतना सुंदर है. इट हैज दिस वेरी प्रिटी प्रिंट ऑल ओवर इट एंड बिल्कुल ऐसे जो मतलब जयपुरी प्रिंट्स होते हैं ना उस तरह का प्रिंट है पूरे सूट पर. इवन यहाँ पर भी जो है दुपट्टा उसके ऊपर भी ब्लॉक प्रिंट काइंड ऑफ जयपुरी प्रिंटिंग हो रखी है. बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है. इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन. रेयॉन यू गाइस मस्ट बी अवेयर कि ह्यूमिड वेदर के अंदर एक परफेक्ट फिट रहता है बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी स्वेटिंग वगैरह अगर आपको होती है चिपचिपा वेदर होता है तो उसमें बहुत सॉफ्ट और फेदर लाइक फील होता है. दैट इज वॉट दिस सूट ऑफर्स यू. एंड मेरे पास ना ऐसे सिमिलर एक और भी सूट है जो कि ग्रीन कलर में है एंड दैट इज समथिंग विच आई हैव वोर्न सो मेनी टाइम्स एंड आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सूट विच आई वेयर सो मेनी टाइम्स. यहाँ पर मैंने इसको स्टाइल किया है सिल्वर ज्वेलरी के साथ एंड सुंदर से मेरे पर्ल डिटेलिंग के साथ इयर रिंग्स हैं वो पहने हैं. बैंगल्स जो मैंने पिछले सूट के साथ भी पहनती हूँ मतलब बहुत ईजी टू वेयर कड़े हैं बिकॉज दे आर लाइक snap and wear it. And I have also worn this ring and slippers, my favorite white color heeled sandals, and that's how I have styled this suit. Again, आप इसके साथ अपना favorite sling bag carry कर सकते हो. Office के लिए भी ये बहुत perfect to wear कुर्ती रहेगी. And you know, it's going to make you look super pretty, also fashionable. At the same time, it is very easy. मैंने ये size medium में मंगाया था and मुझे पड़ा है 895 rupees का. And I guess it is worth every penny. So this is the suit you should totally go for. And that was the last suit of this video, you guys. So these were the four suit sets which I have got from Amazon. I'm trying other websites also. अगर आपको याद होगा तो last time मैंने Myntra try किया था. I'll try Meesho next time, and that is what you're going to see on my channel because I'm sure everybody is waiting for Meesho haul since a year almost. मैंने अभी तक Meesho से कुछ नहीं खरीदा because I keep on मैंने अभी तक मीशो से कुछ नहीं खरीदा है बिकॉज आई कीप ऑन स्पेकुलेटिंग कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए. बट आई हैव मेड माई माइंड टू बाई सम पीसेज फ्रॉम मीशो एंड प्रॉब्ली आई मेक अ वीडियो सून ऑन दैट. सो मेक श्योर टू चेक आउट. फॉर दैट यू नीड टू नो दैट आई अपलोड वीकली वीडियोज. आई नो थोड़ा सा ना बीच में अभी गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस इन माई लाइफ बट आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल. But I'm sure now onwards we'll keep it a video a week. Also, make sure you subscribe to this channel. Otherwise, you won't get to know that I'm uploading weekly videos. Turn on the notification bell so that you know when I'm uploading my next video. These are my social media links. Make sure you check them out as well. And I'm gonna see you in my next video. Lots of love. Bye-bye.